मोहतरम नाजरीन, 16 जून 2020 को मालेगांव शहर की मशहूर समाजी शख्सियत अन्नू फिटर ने मालेगांव शहर में लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी में जिन लोगों ने अपनी खिदमात पेश की उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। इस प्रोग्राम में अन्नू फिटर ने मालेगांव शहर के पुलिस ऑफिसरान, डॉक्टर्स हजरात, नर्सेस और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हजरात के अलावा सोशल वर्कर्स की हौसला अफजाई की, उन्हें सम्मान पत्र से नवाजा। इसी नेक जज्बे को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता कल अन्नू फिटर अपने इदारे मानव संस्था के दीगर जिम्मेदारान के साथ मालेगांव शहर के अपोजिशन लीडर अतीक कमाल को अपने साथ लेकर बड़ा कब्रस्तान पहुँचे। बड़ा कब्रस्तान पहुँच कर अन्नू फिटर ने बड़ा कब्रस्तान में दीगर जिम्मेदारियाँ और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले यानी कब्र खोदने वाले, मैयत की तदफीन व गुस्लो देने वाले, पुकारा करने वाले और मैयत की दीगर जिम्मेदारियों को निभाने वालों को उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें सम्मान पत्र से नवाजा, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आइए हम चलते हैं सीधा बड़ा कब्रस्तान की ओर। बड़ा कब्रस्तान पहुंच चुके हैं सैयद हमीद भाई, जो कि कब्र खोदने वालों के सदर हैं, अतीक कमाल और मानव संस्था के अध्यक्ष अन्नू फिटर और सेक्रेटरी उनका इस्तकबाल करते हुए ये फैयाज भाई हैं। इनका खुशगवार मूड में अतीक कमाल और हंसते हुए अन्नू फिटर इस्तकबाल कर रहे हैं। फैयाज भाई जनाजा पहुंचाने का भी काम करते हैं और कब्र भी खोदते हैं। खुशगवार मूड में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है मानव संस्था की जानिब से। अब आए हैं अब्दुल रहीम भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है। अब्दुल रहीम भाई को पूरा शहर पहचानता है, रहमानी कफन सेंटर के रूह रवां हैं, अब्दुल रशीद इश्टूवाले के फर्जंद हैं, बेहतर खिदमात रही है लॉकडाउन के दौरान। अब्दुल रहीम ने हर मरीजों को नहलाया है। अब शहाबुद्दीन भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, गुलशेर नगर के रहने वाले, बहुत ही काबिल हैं, पुकारा भी करते हैं, एक अच्छे अनाउंसर भी हैं। अब हमारे रईस भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, जो कि बड़ा कब्रस्तान के मैयत के ऑफिस सेक्रेटरी हैं, ज़ुबैर भाई कब्र खोदने वाले हैं। इनका इस्तकबाल करते हुए मानव संस्था के सेक्रेटरी, साथ ही साथ अतीक कमाल और हमारे इस संस्था के सदर अन्नू फिटर, हम आ गए हैं शहबाज़ खान का इस्तकबाल किया जा रहा है। कब्र खोदता है ये नौजवान, लॉकडाउन के अंदर इन लोगों की खिदमत बिल्कुल ऐसी रही है कि हम इनकी खिदमत को सलाम करना चाहिए। जब पूरा घर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मालेगांव अपने घरों में कैद था, इस वक्त तो ये लोग मौत की फिक्र किए बगैर लोगों की खिदमत में मशगूल थे। शफीक भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, बड़ा कब्रस्तान में कब्र खोदने का काम करते हैं, ये रईस भाई हैं, कब्र खोदने का काम करते हैं। अंजुमन संस्था के अध्यक्ष अन्नू फिटर और अतीक कमाल और दीगर जिम्मेदार उनका इस्तकबाल करते हुए मुजम्मिल भाई कब्र खोदने का काम करते हैं बड़ा कब्रस्तान में, इदारे के दीगर जिम्मेदारान इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। खुशगवार मूड में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी, मौत से नहीं डरे। जुम्मन भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, संस्था के दीगर जिम्मेदार साथ में अतीक कमाल, अन्नू फिटर और जनरल सेक्रेटरी और ये दीगर अहबाब अज्जू भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। अज्जू भाई के बाद आए हैं, अज्जू भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है। हम सीधा बड़ा कब्रस्तान से आपको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मकसूद भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है, अन्नू फिटर, अतीक कमाल और दीगर लोग मकसूद भाई का इस्तकबाल करते हुए आते हैं। हम देखते हैं अब आगे किसका इस्तकबाल किया जाता है। अब आ रहे हैं हमारे बशीर भाई का इस्तकबाल होना है। बशीर भाई जो कि पुकारे वाले हैं, आयशा नगर के रहने वाले हैं, अन्नू फिटर और दीगर अहबाब अतीक कमाल साहबान की जानिब से इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अब्दुल खालिक भाई, देखिए बुजुर्गी के आलम में भी ये बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं बड़ा कब्रस्तान के मैयत के सिलसिले में, ऑफिस सेक्रेटरी में बहसीत ऑफिस सेक्रेटरी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्ताफ़ भाई पुकारा करते हैं, बहुत ही अच्छे अनाउंसर भी हैं और मुशायरे वगैरह में निज़ामत भी कर लेते हैं, बासलाहियत शख्स हैं। लॉकडाउन के अंदर इनकी भी खिदमत काबिल सताइश रही है। अल्ताफ़ भाई का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है, माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। साहबुद्दीन मास्टर, एक बार इनका इस्तकबाल हो चुका है, देखिए दोबारा से इस्तकबाल किया जा रहा है। साहबुद्दीन मास्टर जो गुरु वाडवाट की जान है, गुरु वाडवाट का सम्मान है, गुलशेर नगर में रहने वाले हैं, बेहतर तरीके से हर खिदमत अंजाम देते हैं, एक बेहतरीन अनाउंसर भी हैं, पुकारा भी करते हैं। हाजी शाबान भाई जो कि पुकारा करते हैं, इनका इस्तकबाल होना है। अन्नू फिटर साहब, अतीक कमाल और इदारे के दीगर जिम्मेदारान शाबान भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं लॉकडाउन के दौरान जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा मालेगांव अपने घरों में कैद था, ये लोग खिदमात में मामूर थे। फ़कीर मोहम्मद साहब नयापुरा के रहने वाले हैं, पुकारा कमेटी के अध्यक्ष हैं,
बेहतर खिदमत रही है फ़कीर मोहम्मद साहब की। पुरजोर जोश के साथ इनका इस्तकबाल किया जा रहा है अपोजिशन लीडर अतीक कमाल, मानव संस्था के सदर अन्नू फिटर। अब देखिए हाफिज़ उस्मान साहब का इस्तकबाल हो रहा है। हाफिज़ उस्मान साहब ये गुस्लों करते हैं, मैयत का लाशों को नहलाने का काम करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नसीम कुदसी साहब का इस्तकबाल होना है, गुस्लों की खिदमत के साथ साथ कफन सेंटर भी है इनका। आसिफ भाई हम देख रहे हैं कि आसिफ भाई पुकारा करते हैं, मानव संस्था के जनरल सेक्रेटरी इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, साथ ही साथ और दीगर जिम्मेदारान। नदीम अहमद साहब बहुत ही नेक शख्सियत है, गुस्लों के फ़रज़ अंजाम देते हैं। इसरार अहमद साहब का इस्तकबाल हो रहा है जो कि गुस्लों के फ़रज़ अंजाम देते हैं और दीगर खिदमत भी करते हैं। अंसार भाई पुकारा करने की खिदमत अंजाम देते हैं, उम्र के आखिरी हिस्से में है लेकिन ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। हाफिज़ निहाल साहब पुकारे की खिदमत अंजाम देते हैं। अब देखते हैं किनका इस्तकबाल होना है। यहाँ पर इसराइल भाई आए हैं, ये भी पुकारा करते हैं मैयत का, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं लेकिन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ने आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आए हैं नूरुल हसन भाई, नौजवान हैं, पुकारा करते हैं, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। मानव संस्था की जानिब से, अन्नू फिटर की जानिब से इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और हाजी नूर मोहम्मद साहब पुकारा करते हैं, आप देख सकते हैं इनकी उम्र बहुत ज़्यादा उम्र वाले दिखाई दे रहे हैं, बुज़ुर्ग शख्स हैं, हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को। अतीक कमाल और मानव संस्था के दीगर जिम्मेदारान इस्तकबाल करते हुए। इकबाल अहमद बाले पुकारे वाले बड़ा कब्रस्तान, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है मानव संस्था की जानिब से, अतीक कमाल की जानिब से, दीगर जिम्मेदारान की जानिब से, एनपी एक्सप्रेस की जानिब से हम इनका इस्तकबाल करते हैं। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ भाई नौजवान लड़का है, देखिए बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस उम्र में कब्र खोदना बोले तो किसी तकवे से कम नहीं। ये शेख कौसर भाई ये भी कब्र खोदने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर पॉजिटिव मरीज़ और दीगर बीमारियों से बिला खौफ होकर लोगों की खिदमत की, कब्र खोदे, उनको कोई डर खौफ नहीं था कि ये मरीज़ पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अजीज़ बेग बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, कब्र खोदने का काम करते हैं बड़ा कब्रस्तान में, इनकी भी बड़ी खिदमत रही है। अतीक कमाल और दीगर जिम्मेदारान इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। सैयद नूर साहब ये भी कब्र खोदने का काम करते हैं, पुरजोश इस्तकबाल किया जा रहा है अतीक कमाल और दीगर साथियों के साथ। इमरान भाई इनका भी इस्तकबाल हो रहा है मानव संस्था की जानिब से, सम्मान पत्र दिया जा रहा है इनको। इमरान भाई अब देखते हैं कौन आता है इसके बाद। इमरान भाई के बाद खुशगवार मूड में इमरान भाई और मानव संस्था के दीगर जिम्मेदारान, खास तौर से अन्नू फिटर और उसके सेक्रेटरी हमीद भाई। सिकंदर भाई कब्र खोदने का काम करते हैं, बेहतरीन खिदमत रही है इन लोगों की लॉकडाउन के दौरान। सिकंदर भाई का इस्तकबाल करते हुए मानव संस्था के दीगर जिम्मेदारान सिकंदर भाई के बाद आ रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म हुआ।